हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज का आइडिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। फुल वीडियो देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस टेबल के लिए कवर बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास चाहे छोटी टेबल हो चाहे बड़ी टेबल हो, आप किसी के लिए भी बहुत आसानी से कवर केवल 5 मिनट में बना सकते हैं। तो यहाँ बस हमें एक फैब्रिक लेना है और उसे इस तरीके से टेबल के ऊपर डालना है, और टेबल के ऊपर डालने के बाद में साइडों से आपको जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए उतना आप यहाँ ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो कटिंग है वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे, जो हमारी टेबल है उसका साइज़ हमें यहाँ फैब्रिक के ऊपर लेना है। तो बस इस तरीके से चॉक की हेल्प से यहाँ मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ मार्किंग करने के बाद में यहाँ हमें कितना साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ जो हमने मार्किंग की है इसके नीचे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने वाली हूँ। यहाँ आप 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच जितने आपको लेना है उतना यहाँ फैब्रिक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ। और यहाँ बस इस तरीके से चारों साइड में 1-1 इंच मैं यहाँ मार्क लगा लूँगी, और मार्क लगाने के बाद में यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने ये पुराना फैब्रिक लिया है, इसकी जगह आप कोई नया प्रिंटेड अच्छा सा कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और उसका यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक पड़ा हुआ था पुराना, तो मैंने यहाँ इसी का यूज़ कर लिया है। और यहाँ मैं पुरानी लेस का भी यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ मार्किंग हमने इस तरीके से कर ली है और यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर ली है, और यहाँ बस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ, तो इसे मैं आगे वाली साइड में यानी कि जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ केवल एक बार फोल्ड करूँगी फैब्रिक को, और चारों साइड में इसमें सिलाई लगा लूँगी। अगर आप इसमें लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते हैं तो आप डबल फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करते हुए चारों तरफ से सिल लिया है। अब यहाँ मैं कुछ लेस का यूज़ करने वाली हूँ, तो ये पुरानी साड़ियों में से निकलने वाली लेस है जिसका मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी बहुत ईजिली घर पर जैसे कि पुरानी साड़ियाँ होती हैं उसमें से लेस निकाल कर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी जितनी दूरी पर आपको लेस लगानी है उतनी दूरी पर यहाँ आप इस तरीके से मार्क लगा लीजिए, और यहाँ इस तरीके से लेस को बस सीधे सीधे हमें स्टिच करना है। तो यहाँ चौड़ाई वाली साइड में मैं इस तरीके से लेस लगा लूँगी, और फिर लंबाई वाली साइड में इस तरीके से मैं लेस लगा लूँगी। अब यहाँ लेस को मैंने लगा लिया है। अब इसकी जो एकदम किनारे वाली साइड है वहाँ भी मैं इस तरीके से लेस को लगाऊँगी, जिससे कि थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा टेबल का। और जो हम ये टेबल बनाने वाले हैं ये एकदम फिक्स हो जाती है, जैसे कि हम अलग से कोई मैट टेबल पर डालते हैं तो वो खिसकता है, तो ये इस तरीके से अगर आप टेबल के लिए कवर बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। अब इसके चारों कॉर्नर पर हमें कट लगाने हैं, तो कट लगाने के लिए जो हमने टेबल का मार्क लिया था टेबल पर रखकर कपड़े पर जो हमने मार्किंग की थी, बस उनको हमें इस तरीके से सीधे मिलाना है, और सीधे मिलाने के बाद में जो भी यहाँ कॉर्नर इस तरीके से बनता है उसे हमें यहाँ कट करना है। जैसे आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है तो यहाँ इस तरीके से कॉर्नर बन जाएगा, तो इसी तरीके से यहाँ मैंने ये देखिए चारों कॉर्नर बना लिए हैं और इन्हें हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो एकदम फिक्स बनेगा, और जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको बस यहाँ मार्किंग करनी है और इन्हें कट करना है। अब कट करने के बाद इसे हम करेंगे उल्टा, और उल्टी वाली साइड में जो ये कॉर्नर हमने बनाए हैं ना इस तरीके से पकड़ना है, और यहाँ हमें सिलाई लगानी है उल्टी साइड में, और ये थोड़ी सी हमें क्रॉस में लगानी है, एकदम सीधे नहीं लगानी है, थोड़ी सी क्रॉस में लगाएंगे तो एकदम फिक्स बनेगा। तो चारों कॉर्नर पर बस इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ सिलाई हमने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे करेंगे हम इस तरीके से सीधा, और इसे टेबल पर हम डालकर देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हमें इसको इस तरीके से अंदर की साइड में करना है, और फिर दूसरी वाली साइड में हमें खींचते हुए यहाँ थोड़ा सा हम पुश करेंगे आगे की साइड में, और ये एकदम फिक्स हो जाएगा इसमें, ये देखिए। और ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, एकदम सेट हो जाता है, जैसे कि हम अलग से कोई मैट वगैरह डालते हैं तो वो खिसकता है। तो अगर आप इस तरीके से टेबल के लिए कवर बनाते हैं तो बहुत ईजिली बन जाता है, केवल 5 मिनट लगते हैं हमें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।